Recording is on. Let's drink. No. And the partner because of acid, grease, and acid base and salt. Or chapter they have done by some then it will be on the side. Spoken to the people, my friend, Amu, Shah, or Lam, Amu Shah, or Lam. You have a very bad question. Amu Shah, or you have a lot of discussion about the Sibari name, Amu. Amu Yahoo name, Amu Yahoo name, Swati, is it okay? Swati, 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 Swati. फिर उसी बात के लिए अपन ने बोला कि मीडिया की फर्स्ट पर्सन को मीडिया मीडिया लिखमस पत्र को लाल कर देते हैं मीडिया की फर्स्ट पर्सन को क्या कर देते हैं लाल कर देते हैं इसी बात हम जल विलेन बताने बात करें कैसे मिले होंगे क्या बना देते हैं हम जल में विलेन उदाहरण हमने बोला था संतरे में संतरे में एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल संतरे में कौन सा अम्ल मिलता है एस्कॉर्बिक संतरे में मिलता है मिलता है और सिरके एसिडिक अम्ल सिरके एसिडिक अम्ल मिलता है और इंपॉर्टेंट बात करें कि थिएटर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है लाल चीटी में फॉर्मिक अम्ल मिलता है ना लाल चीटी में फॉर्मिक अम्ल मिलता है लाल चीटी में अपने को फॉर्मिक अम्ल मिलता है फिर एक और बात करें कि अपनी बोला थिएटर रस गोपाशय में पाया जाता है यहाँ पर अपने को मिलता है HCl, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अब यहाँ बात करें कि नेक्स्ट ये तो बात है इसकी अम्ल और ये स्टूडेंट्स लिखते भी हैं साथ साथ में देखते भी हैं दोस्त करा चले अपने है ना और आपको प्रीवियस केस हुआ है और नेक्स्ट सप्ताह आता है चार चार इसी तरह से कहता था बेस बेस कैसे होते हैं स्वाद में कैसे होंगे तो कड़वे होंगे और पहला पॉइंट तो स्वाद के कैसे हैं कड़वे दूसरी बात अपन कर लिया दूसरी बात अपने कि हम क्या करते थे लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं ये नीला कर देते हैं लाल लिटमस पत्र को किसी बदल देते हैं नीला कर देते हैं है ना और तीसरी बात क्या करते थे अम्लों को उदासीन कर देते हैं क्षार विषय क्या करता है अम्ल के साथ क्रिया करके उसे उदासीन कर देगा है ना तो अम्लों को उदासीन करते उदासीन करते हम लोग उदासीन करते यार अब यहाँ पे एग्जाम्पल इसके देंगे उसका कुछ एग्जाम्पल बताया कि मैंने बोला है NaOH मतलब इसको क्या कहते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH
वो कहते हैं बहुत सारे कहां हुए चले गए तो उनके अपना क्षार है उनके वो ऐसे बोले कि अपन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये और लेते हैं अपन क्या बोले NH4OH इसको बोलते हैं अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं फिर अपन एक और बात करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद एक और लेते हैं AlOH का होल ट्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये सब बात किसकी लगी अपन ने क्षार क्षार किसे होते हैं साथ में कर ले लाल पत्तों को क्या कर देते हैं नीला और अम्ल को क्या कर देते हैं उदासीन बन देते हैं क्लियर अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी लवण की लवण किसे कहते हैं तो बोलते हैं कि अम्ल और या लवण कैसे बनते हैं क्योंकि अम्ल और क्षार दोनों क्या है जल में विलय होते हैं अब यहां बात करते हैं अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या होता है लवण और प्लस क्या निकलेगा अंदर से जल लवण प्लस जल बन रहा है ना और यूजुअली लवण लवण कैसे होते हैं हमेशा उदासीन बोल सकते हैं उदासीन भी हो सकते हैं अधिकतर उदासीन भी मिलेंगे और अपन कहते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिल चुके अपना के लिए अपने पास उदासीन लवण बना देते हैं उदासीन लवण बनाएंगे और क्या मिल जाएगा इसके साथ जल एक कंडीशन तो ये कि लवण क्या है तो अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया द्वारा जो भी बनता है उसे अपन या जो भी पदार्थ उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं लवण कहते हैं है ना तो अब यहां पर प्रबल अम्ल लिया जैसे मैंने लिया HCl HCl को क्या कहते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और प्लस यहां प्रबल क्षार लेंगे जैसे अपना प्रबल क्षार का उदाहरण क्या हो गया NaOH कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और ये दोनों क्रिया करते हैं आपस में तो देखो दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा एक तो NaCl क्या निकलेगा NaCl नाम से जानते हो आप क्या बोलते हैं इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसको सोडियम क्लोराइड और प्लस क्या निकलेगा अंदर से H2O यानी के जल अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार अभिक्रिया करते हैं उदासीन लवण और जल बने ये सेम रिएक्शन किसके लिए होगी अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण प्लस जल इसमें सेम वही रिएक्शन HCl अपना अम्ल हो गया ये अपना क्षार हो गया लवण बना देगा NaCl प्लस क्या निकल जाएगा अंदर से H2O है ना H2O मतलब जल होता है H2O या बोलो या H2H बोलो दोनों ही की बात है यहाँ पर ठीक है अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी आगे देखो और नेक्स्ट अब यहां पे हो गया अब इसकी दूसरी कंडीशन एक और है जब क्या हो देखो जब अपन लेते हैं प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार लेते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार लेते हैं तो वो लवण कैसा होता है अपना अम्लीय लवण होता है अम्लीय लवण ये जो प्रबल होगा वही बनेगा अब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ले तो लवण कैसा हो गया अपना अम्लीय प्लस क्या निकलेगा अंदर से जल इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं अपन जैसे लिया हमने प्रबल अम्ल में HCl ले लो प्लस दुर्बल क्षार से अभिक्रिया दुर्बल क्षार अपना ले रहा है NH4OH है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा लो क्या बनेगा आपने को NH4Cl प्लस क्या निकलेगा H2O जल निकलेगा है ना ये सारी क्रिया है HCl को अपन क्या कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको क्या कहते हैं तो अमोनियम अभी लिखा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है फिर ये क्या बन गया अपना कौन सा लवण है अम्लीय लवण है इसको अपन बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड
ठीक है प्लस इसी की तीसरी कंडीशन एक और होगी, तीसरी कंडीशन एक और होगी, देखो अभी तीसरी कंडीशन बनाते हैं, ऊपर बनाना होगा तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में क्या आएगा, हर कंडीशन है ना, दो कंडीशन बता दी, अब अपने पास होगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, तीसरी कंडीशन बताते हैं अपन, तीसरी होगी अपने पास प्रबल की जगह क्या ले लो, दुर्बल अम्ल ले लो, बी एसिड ले लो, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, तो अब मैंने बोला जो प्रबल होगा वही लवण बनेगा, तो यहाँ पे लवण कैसा होगा, क्षारीय लवण, कैसा लवण बनेगा, क्षारीय लवण बनेगा, प्लस क्या निकलेगा अंदर से जल निकलेगा, है ना, जल निकला, जल निकलने दुर्बल अम्ल कैसा लेते हैं अपन, सी एच थ्री सी डबल ओ एच, सी एच थ्री सी डबल ओ एच को अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं, प्लस प्रबल क्षार, प्रबल क्षार लिया अपन ने क्या एन ए ओ एच, उसको बोलते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, क्या बना देगा ये देखो, सोडियम ये सोडियम इसके साथ जुड़ा होगा, देखना भी यहां से निकला है, यहां से निकला ओए तो बनेगा सी एच थ्री सी डबल ओ एन, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कैसा लवण है, सोडियम एसिटेट कहते हैं क्षारीय लवण, क्यों क्यों है क्योंकि प्रबल क्षार लिया है ना, प्रबल क्षार लिया, फिर क्या निकला अंदर से जल, जल ये तो हुई अपने पास लवण की बात, लवण का मेन कैरेक्टर क्या है या लवण के मेन गुण क्या है वो देखते हैं, तो लवण कहते हैं लवण के घुलना पतना कैसे होते हैं, उच्च होते हैं है ना, लवण और लवण के घुलना पतना अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लवण के घुलना व पतना, पतना उच्च होते हैं, गलनांक और पतनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, और लवण किस रूप में पाए जाते हैं, तो लवण क्रिस्टल, क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं, हाँ जब ये क्रिस्टल रूप में पाए जाते हैं तो इसके साथ कुछ जल की मात्रा भी निश्चित होती है, जिसे अपन कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिस्टलन जल कहते हैं, देखो क्रिस्टल में क्रिस्टल के साथ जल उपस्थित होता है, ठीक है इसे अपन क्या कहते हैं, जैसे क्रिस्टलन जल कहते हैं, हाँ पर क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, किसी भी यौगिक के साथ जब जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी हो, किसी भी लवण के साथ जब जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं, है ना, तो अपन देखो यहाँ क्रिस्टलन जल की बात करते हैं, क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है, क्रिस्टलन जल किसे कहा जाता है, तो एग्जाम में भी प्रश्न पूछा गया है, क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल है ना, क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलन जल, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, बोलते हैं लवण के, लवण के एक इकाई सूत्र में, एक इकाई सूत्र में उपस्थित, एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित, एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या, क्या बोलते हैं लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जुड़ी हो, जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन, क्रिस्टलन जल कहते हैं, क्रिस्टलन जल कहते हैं,
है ना, ये इसका एग्जांपल देखो, क्रिस्टल जल मींस कोई लवण है ना, कोई लवण है, उसके साथ क्या बनेगा क्या देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिया Na2CO3.10H2O, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये अपना एक तरह से क्या हो गया लवण, पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है जल के निश्चित अणुओं की संख्या 10H2O, 10H2O के लिए तो सोडियम में एक प्रकार का क्रिस्टलाइन हो गया, हाइड्रेट हो गई बोला जाता है इसको, है ना, उसको बोलते हैं क्या बोले सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने जल के अणु जुड़े हुए हैं, तो 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। एक एक और एग्जांपल देते हैं इसका CaSO4 CaSO4.2H2O, इसको बोलते हैं अपन कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इसको कहा जाता है, और कैल्शियम सल्फेट कहते हैं तो यहाँ पे इसका नाम ये भी है जिप्सम भी बोला जाता है, जिप्सम है ना। एक और आता है अपने पास एक बहुत बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थापना के लिखना है, कई बार पूछा गया है फिटकरी, फिटकरी का सूत्र क्या है वो देखना है अपने को, तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इसको बोलते हैं अपन फिटकरी, पूरे नाम है अच्छा क्या फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो फिटकरी से बोला जाता है, ठीक है ये ध्यान रखो उतर उसको, ये इंपॉर्टेंट है फिटकरी, अब इतना पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ पे, बस आज की खत्म। Thank you.